नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप मन के बात में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए गौठान अब सरकार के लिए ही मुसीबत बनते जा रहे हैं। अगर बात अगर की जाए, पिछले चार दिनों में अब तक 131 गायों की मौत हो चुकी है, जिस पर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो वहीं राज्य सरकार द्वारा नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत कई गौठान निर्मित किए गए हैं ताकि रोका छेका अभियान के जरिए सड़कों पर घूमने वाले गायों को गौठान में रखा जाए और उन्हें पूरी व्यवस्था दी जाए, पर कई तरह की व्यवस्थाओं कमी के चलते अब तक गौठानों में लगातार गायों की मौत हो रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि अभी तक तो हम गायों की मौत के बारे में सुन रहे थे, अब गायों को कुत्ते और गिद्ध और पशु पक्षी नोच रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात और कोई नहीं हो सकती। अभी तीन दिन पहले हमने विधानसभा में ये बात उठाई थी और हम ये सोचते थे कि सरकार जागृत होगी, परंतु उसके बाद भी पूरे छत्तीसगढ़ में ये तो सूचनाएं बहुत कम जगह की हैं, परंतु 50 जगह पर और हजारों गायों की मौत हुई है गंदगी के कारण, पानी भरने के कारण, और सरकार पूरी तरह सोई हुई है। ये बहुत दुखद बात है कि ये सरकार को बोलने के बाद भी, मुद्दा उठाने के बाद भी ये सरकार किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लेती है। इससे ज़्यादा लचर सरकार दूसरी कोई नहीं है। पहली बार अगर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौ सेवकों के लिए योजना बना रहे हैं, गांव में गौठान की व्यवस्था करा रहे हैं, तो ये जो गौ सेवा की और गौ रक्षा की बात करने वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कौन सा आफत आ गया गौठान शुरू करने से? हम तो, हमारी सरकार तो प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, बजाय इन लोगों को मदद करने का रोज नया नया बयान और सरकार के लिए दिक्कत खड़ा करने के अलावा ये कुछ नहीं। तो आपको बता दें कि पहले शराब को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही थी, अब गायों को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म हो गई है। पक्ष विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है और 131 गायों की पिछले चार दिन में मौतें भी हो गई हैं, जो कि यह आंकड़ा कहीं ना कहीं दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार सफाई तो बहुत दे रही है लेकिन असल में, यानी कि जो जमीनी हकीकत है, वो कुछ निकलकर सामने नहीं आती। आज उसी मुद्दे पर मेरे सहयोगी अंकुश वाजपेयी करेंगे चर्चा और उनके साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े और कांग्रेस से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी अंकुश जी, दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, अमित जी और उमेश जी का। अमित जी, अंकुश जी, आपका भी स्वागत है। अंकुश जी, आप कोरोना योद्धा हो सर, आप दुरुस्त होके आ गए, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है आपका। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। अमित जी, देखिए शुरुआत में करूंगा कि ये गौठान की बात जो होती है सर, आपकी सरकार आई नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना की शुरुआत हुई सर, गौठान उसका एक हिस्सा है सर, और ये गौठान को लेकर पहली बार कोई ये सवाल नहीं उठा है सर। इससे पहले भी सवाल उठे हैं सर कि गायों की मौत हो रही है, उन्हें चारा नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सरपंच है वो कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है सर। ये गौठान में जो अब ये नया मामला उठा है कि गायों की मौत का सर, इसकी वजह क्या आप मानते हैं सर? क्योंकि विपक्ष को निशाना साधेगा और मीडिया मुद्दा उठाएगा सर। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष भी अपना धर्म निभाएगा और मीडिया को भी मुद्दा उठाना चाहिए, उसमें कोई हमको गुरेज नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, गौ माता हमारे लिए बहुत पूजनीय है और हम सभी गौ माता को, इसलिए गौ माता मैं कह रहा हूँ कि हम सभी उनको पूजते हैं, और जिस प्रकार की ये दुखद घटना हो रही है, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी हमारे गृह मंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था कि आप देखिए कि जिस प्रकार से आइए, आप भी मानेंगे क्योंकि आप भी लगातार हम डिबेट में बैठते हैं, और जैसे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना हो, आज पूरे विश्व में आप देखिए गोबर खरीद रही है हमारी सरकार, गायों के लिए हम गोठान बना रहे हैं, 2200 गोठान हमारे बन चुके हैं, और अभी अगर कोरोना का संक्रमण काल नहीं आता तो लगभग 2800 और बन गए होते और पूरे लगभग 5000 गोठान प्रदेश में बन चुके होते। और हमने समिति बनाई है, देखिए गोठानों के संचालन के लिए गोठान समिति बनाई है और प्रति माह उनको 10000 का अनुदान भी दिया जा रहा है, और उनको वो 10000 जो दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करें और रख रखाव का जो है उसको देखें।
और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी जो बजट जो था उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने नवीन मद में 6 करोड़ रुपए बजट प्रावधान किया है और गौठानों में जल प्रदाय और नलकूप कैसे हो उसके लिए 5 करोड़ का अलग से एक प्रावधान किया गया है। ठीक है, 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य के लिए 450 करोड़ का हम बजट रखे हैं। और देखिए जिस प्रकार से आपने देखा है कि इसके पहले आप हमने भी देखा है कि गौ माता जो है उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता था, उनका कोई रख रखाव की व्यवस्था नहीं थी, ना उनको पीने का पानी मिलता था और एकदम से स्थिति जो भयावह थी 15 साल में वो हमने भी देखा है कि किस प्रकार से अनुदान प्राप्त जो बीजेपी के नेता थे, चाहे वो बेमेतरा वाला केस हो, इनके पदाधिकारी लोग जो अनुदान लेते थे, चाहे वो दुरुप का केस हो, कि कैसे गौ माता की याद इनको तभी आती थी उससे लोट लेना रहता था या वोट लेना रहता था। लेकिन मैं बड़े गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि जब से प्रदेश में एक किसान पुत्र की सरकार आई है, वो खुद एक किसान है तो वो किसानों की वेदना को समझते हैं, गौ माता की वेदना को समझते हैं, इसीलिए हमने एक ऐसी योजना लाई कि जिससे आप देखिए कि आज गांव जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा पहला ही फोकस था गांव गरीब आदिवासी किसान और गौ माता के अच्छे दिन हम कैसे लाएं। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे आप बिलासपुर का मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं कि बिलासपुर का जो केसेस हुआ था जिसमें 50 गौ माता जो हम सभी ने पढ़ा, बड़ा दुखद वो घटना थी, लेकिन वहां पर हमने देखा कि जो वहां के जो सरपंच और पंच लोग थे जिनके ऊपर हमने बाद में तुरंत हमने केसेस भी लगाए थे, तो हमने देखा कि किस प्रकार एक ही साथ 50 गायों को वहां पर एक साथ रख दिया गया था, छोटी सी जगह थी, बाद में सांस लेने की उनको प्रॉब्लम हुई और हम सब जानते हैं कि एक साथ जब इतने गौ माता बैठेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी और बाद में जैसा हमने मीडिया में देखा था और सुना था और अखबारों में पढ़ा था कि बाद में जो खिड़की थी शायद वो भी बंद हो गई थी। तो ये देखिए दुखद घटना है, मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी जो घट रही है, लेकिन जिसका जैसे आपने सुना बता रहे बिलासपुर की जो घटना थी, जो रतनपुर वाली घटना थी, वो गांव के जो लोग थे उन लोग उसको स्कूल में रखते थे, वो गोठान की घटना नहीं थी। लेकिन भाजपा ने जैसा मैंने कहा कि हमेशा जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है, गुमराह करने का प्रयास किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी दुखद घटना हुई है वो दुखद घटना है। और हम जैसे जैसे बिलासपुर की घटना हुई, अंकुश जी आपने भी देखा तत्काल उस पर कमेटी बैठा दी गई है ना सर, लेकिन जिम्मेदार कौन था सर? देखिए जिम्मेदार मैंने कहा ना कि देखिए जिम्मेदार जो थे तीनों के उसी समय कार्रवाई कर दी गई थी, उसके बाद एक जांच दल गठित कर दिया गया था, एडिशनल कलेक्टर उसके वो थे और तहसीलदार, ऐसा करके 4-5 लोगों की उसमें कमेटी बना दी गई थी और तत्काल हमने संज्ञान लेके उसपे और 3 लोगों को उसपे हमने तत्काल कार्रवाई की थी, FIR की थी। मैंने जैसा कहा जो भी दोषी होगा ये सारी घटनाओं के लिए उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई हम कर रहे हैं और आगे भी हम भगवान ना करे ऐसी कोई घटना घटे, लेकिन हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। चलिए उमेश जी क्या कहेंगे? देखिए सवाल उठाया है। जी बोलिए। अंकुश जी बहुत ही मार्मिक विषय है और मैं समझता हूँ कि इसमें सकारात्मक चर्चा की आवश्यकता है और इस प्रकार से अमित जी ने अभी वक्तव्य दिया आपने पूरे बातचीत के दरमियान और आखिरी में समापन करते करते मैं सीधे तौर पे कहूंगा अमित जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने आज मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा दिल दुखा दिया। अब तक तो मैं गौ माताओं के जो घटनाक्रम निकल के आया उनकी मौत की घटना को सुनकर के सब दर्द उसकी था, लेकिन अमित जी के जुबान से इस प्रकार का शब्द कि हम आगे भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, मैंने रेक्टिफाई कर दिया था। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के द्वारा इस प्रकार का बयान कि हम आगे भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे सीधे तौर पे इस ओर इशारा करता है कि इनकी जो गौठान योजना है, इनकी जो रोका छेका योजना है, यह भी स्वयं मान रहे हैं कि पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है और भविष्य में भी इस प्रकार की हृदय विदारक दुखद घटना घटित होगी, इसलिए शायद वो इस प्रकार का वक्त दे रहे हैं। इस तरह की मैं निश्चित तौर पर उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मुझको लगता है कि चाहे हम रोका छेका की बात करें या फिर गौठान योजना की बात करें, इसके जो जख्म है, जो मर्म है, उसके जख्म है उसके मर्म तक पहुंचने की आवश्यकता है।
बीते पौने दो वर्षों में जब से यह सरकार आई है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आप योजना ला रहे हैं, तमाम योजना ला रहे हैं, अच्छी बात है, आप तमाम योजनाओं का स्वागत है, लेकिन सरकार में बैठे हुए तमाम अधिकारियों से लेकर के मंत्रियों से लेकर के कांग्रेस की किसी भी नेता ने इस बात की कभी चिंता नहीं की कि यह योजना धरातल पर किस प्रकार से उतर पाएगी, यह योजना धरातल पर उतर रही है या नहीं उतर रही है। तकलीफ यहीं पर है, यह सरकार विज्ञापन करती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है अखबारों में, बड़े बड़े विज्ञापन करती है कि हम गौठान योजना लेकर के आ रहे हैं, और तमाम लोगों को वह विज्ञापन में वह योजना निकल करके दिखती है, लेकिन धरातल में वह योजना नजर नहीं आती है। मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा, आप गौठान की बात कर रहे हैं, गौठानों में सेट की व्यवस्था नहीं, आप गौठान बना दिए, गौठानों के अंदर में चारे की व्यवस्था नहीं थी, आप गौठान बना दिए, गौठानों के अंदर में पानी की व्यवस्था नहीं थी, आप गौठान बना दिए, और उन गौठानों के अंदर में उन मुक पशुओं को आपने जबरन वहां घूस दिया, जबकि आपको मालूम था कि आपकी सरकार ने इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं किया। और अभी अमित जी सीना चौड़ा करके 10,000 रुपए की बात कर रहे थे, अरे अमित जी 100-150, 150, 200 गायों को वहां रखा जा रहा है, और आप 10,000 रुपए चारे के लिए, पानी के लिए, नलकूप के लिए, आप किस प्रकार की बात करते हैं? 10,000 में किस प्रकार से 100-150, 150, 200 गायों के चारे, पानी और सेट की व्यवस्था हो पाएगी? यह तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी आपको बता देगा। कुल मिलाकर के कोई रोड मैप नहीं है, इस योजना को किस प्रकार से धरातल में उतारेंगे कहीं किसी ने कुछ नहीं सोचा, केवल विज्ञापन करने के लिए, केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए यह योजना लेकर के आ गए। दूसरी तरफ अमित जी अभी बात कर रहे थे कि हमने कार्रवाई की सरपंचों के ऊपर कार्रवाई की, अरे भैया आपने छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके इसी करने का काम किया है, कब आप उन बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? और उसकी जांच रिपोर्ट क्या आई कि आप गौठान योजना के नाम पे आप एक तो गौवंशों का, मैं तो सीधे तौर पे आरोप लगाऊंगा कि प्रदेश में, प्रदेश के अंदर में जितने गौठान है वो एक प्रकार से पशु वध केंद्र के रूप में नजर आ रहे हैं, वहां पर पशुओं का वध हो जा रहा है, और दुर्भाग्यजनक बात है उनकी मौत के बाद उनकी डेड बॉडी को, उनके शरीर को कुत्ते और चील लोच करके खा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और इस योजना की नहीं हो सकती। आप रोका छेका की आप बात कर रहे थे, रोका छेका के चलते किस प्रकार से राशन दुकान के अंदर में 100 गायों को, गौ माताओं को रोका गया और सफोकेशन के कारण मौत हो गई, उससे पहले 50 गायों की मौत सफोकेशन के कारण हो गई। तो यह किस प्रकार की आपकी योजना है, इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और जी आपने कई सवाल, उमेश जी आपने कई सवाल उठाए हैं, अमित जी देखिए बड़ा सवाल ये है कि आपने योजना शुरू की उसकी मॉनिटरिंग सही तरह से नहीं हो पा रही है सर। यहाँ पे गायों की मौत आ रही है, मैंने सवाल पूछा था, ये पूछा था सर कि गायों की मौत का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। आप कह रहे कार्रवाई कर रहे हैं, तो सर कार्रवाई हो रही है तो छोटी मछलियों पर हो रही है, बड़ी मछलियों पर नहीं हो रही है। देखिए भाजपा के लोगों की तकलीफ ही यही है कि जब से इस प्रदेश में किसान पुत्र में जैसा कहा, खुद जो किसान है वो पूरी पीड़ा को समझते हैं, और जैसा मैंने कहा कि आते साथी हमने जो नरवा गरुआ छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, नरवा गरुआ गरुआ बाड़ी, केला बचाना है संगवारी, और गौ माता की हमने जब बात करी, भाजपा उससे विचलित हो गई जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस प्रकार से ये पूरी तकरीर अभी मैं सुन रहा था, शायद मेरे पूरे वक्तव्य को अति उत्साह में उमेश जी सुन नहीं पाए और आरोप पे आरोप लगाते चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने ठीक कहा कि कार्रवाई की जो बात आपने कही जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक जो उसमें जिम्मेदार लोग थे, कोई उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जो भी उसमें जिम्मेदार होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने बस कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। आपने कहा मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, और उमेश जी ने आरोप लगाया कि ऐसी योजना, जो योजना के बारे में उन्होंने कहा, इसके पहले 15 साल वो थे, तो वो योजना ये बनाते थे जो इनकी सरकार थी, वो सिर्फ कोरी सियासी लफाफी करने में मजबूर रहा करते थे इनकी सरकार, और प्रदेश के ना गरवा के लिए कभी उन्होंने ध्यान दिया उनका, ना गाय के लिए, मतलब ना छत्तीसगढ़ के लोगों का उन्होंने कभी ख्याल रखा, ना ऐसी कोई योजना प्रदेश के विकास के लिए लाई, ना गौ माता के लिए कोई योजना लाई। जैसा मैंने कहा ना, गाय इनको तभी याद आती है, गौ माता इनको तभी याद आती है जब इनको उससे या तो नोट बनाना रहता है या वोट लेना रहता है। लेकिन आज प्रदेश में हमारी सरकार आई है और चौबीसी विकास जो यहाँ पर हो रहा है, और जनता के जो जीवन में खुशहाली आई है, और जो जनता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं,
समाज के सभी वर्गों को लेके जो हम काम कर रहे हैं और जो प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है और लोक कल्याणकारी जो नीतियां हम ला रहे हैं और केंद्र में बैठी जो इनकी एजेंसीज हैं, जब हमें वो अच्छा बताती है, भाजपा के लोगों की विडंबना यही है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। और हमने तो योजनाएं बनाई, आप उमेश जी से पूछ लीजिए कि 15 साल में गौ माता के लिए कौन सी इन्होंने योजना बनाई, गोठान के लिए इन्होंने क्या काम किया, ठीक है, गरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के लिए इन्होंने क्या काम किया जी, ये इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात होता है अंकुश जी, धरातल पे जाके उस पर काम करना अलग चीज होती है। और हमने जो कहा ना, हमने जो घोषणा पत्र में कहा था, हम उसका पूरे वादे को निभा रहे हैं और हम आगे बढ़ के वो अच्छी कोई कार्य कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फोकस है कि कैसा यहाँ छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो कैसे समृद्ध और खुशहाल बने छत्तीसगढ़, हमारा निरंतर ये प्रयास है कैसे यहाँ का विकास हो, चौमुखी विकास हो। लेकिन जिस प्रकार से सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना और जिस प्रकार से ये 15 साल यहाँ पर संवेदनहीन सरकार रही है, मैंने जैसा कहा ना, मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा था कि उमेश जी शुरू से आए और कहा, उन्होंने कहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आज ये मुद्दा राजनीति वाला मुद्दा नहीं है। मुझे लगा कि आज वो कोई सार्थक चर्चा करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति है, इन पकड़ वो पॉलिटिक्स पे पहुंच ही गए। चलिए ठीक है उमेश जी, ये बड़ा सवाल है कि अभी अमित जी कह रहे थे कि कोई अच्छी योजना आई है 15 सालों बाद और जिसकी केंद्र ने तारीफ की है, तो आपके पेट में बल क्यों पड़ रहा है सर? देखिए अंकुश जी, यही तकलीफ है, हम तो तारीफ ही कर रहे थे भाई, हम तो कह ही रहे थे कि आप जो योजना लाए हैं वो अच्छी योजना है। अब ये गोवर्धन न्याय योजना की बात करते हैं, गोबर खरीदी की जो ये योजना ले जाए, मैं खुले मन से आपके माध्यम से मैं योजना की तारीफ करता हूँ, सराहना करता हूँ। बस जैसे उसमें बिहार जैसे चारा घोटाला हुआ था, उस प्रकार की भूना है, उस प्रकार का भ्रष्टाचार ना निकले, एक दिन के अंदर में 59 किलो गोबर देने वाली गाय ये ढूंढ करके डाला है। रही बात जिस प्रकार से अभी ये बात कर रहे थे और धरातल पर योजना और तमाम तरह का विषय, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, मैं इनको बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार है, 69 सीटों के साथ जनता ने आपको जनादेश दिया है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं। और रही बात आपकी योजनाओं की, हमें आपकी योजनाओं से कहीं कोई तकलीफ नहीं है, आप योजनाओं को धरातल पर उतारिए, धरातल पर वो योजनाएं दिखे, उनमें प्रॉपर तरीके से विकास के कार्य हो। चहुमुखी विकास के नाम पर छत्तीसगढ़ के चहुमुखी गौ वंश की मौत ना हो, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, चारों कोने से गौ वंश की मौत की खबर आएगी तो हम आपत्ति ना करें। आप विपक्ष का आवाज दबाना चाहते हो, आपकी इस योजना के चलते जहां पर ठंड की वजह से, बारिश में भीग जाने की वजह से, भूख की वजह से अगर गौ माताओं की मौत हो जाती है और उस पर भी अगर विपक्ष आपत्ति करता है, उन गौ माताओं की मौत पर सरकार से सवाल पूछता है, तो इनको किस बात की तकलीफ है? हम तो आपके हित में सवाल पूछ रहे हैं, हम तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं साहब कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जहां माता महामाया का आशीर्वाद है, जहां माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है, उस प्रदेश को कलंकित मत होने दीजिए, पाप का भागी मत बनने दीजिए। गौ वंश की अगर इस प्रकार से निर्मम मौतें होंगी तो पूरे प्रदेश को पाप लगेगा साहब, हमारी भावनाओं को समझी है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जिन गौठानों के अंदर में व्यवस्थाएं नहीं है, जिन गौठानों के अंदर में चारे की व्यवस्था नहीं है, जैग की व्यवस्था नहीं है, बरसात का मौसम है, पानी गिर रहा है, आपने भीगते हुए हमारी गौ माताओं को छोड़ दिया है, उन पर तरस खाइए। हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो जितने गौठानों में आपकी पर्याप्त व्यवस्था है उतने में आप करिए, जबरदस्ती आप रोका छोका छेका योजना को सफल करने के लिए उन मुख बधिर उन बेजुबान गौ माताओं को जबरदस्ती पकड़ के सोसाइटी के अंदर कहीं एक कमरे के अंदर 100-150 की संख्या में मत पूछिए। आपसे एकदम विनम्रता पूर्वक मार्मिक प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस छत्तीसगढ़ महतारी के अंदर में और गौ वंश की मौत हो और इस प्रकार का पाप छत्तीसगढ़ को लगे। हम आपसे निवेदन करते हैं साहब, किसान कुछ छल रहे हैं, ठग रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से आप योजना के नाम पे गौ माताओं को मारना बंद करिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ साहब, बंद करिए गौ माताओं की हत्या करना, बंद करिए। अमित जी, आखिरी सवाल है मेरा वही कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए,
ताकि गौ माता की हत्या ना हो, क्योंकि देखिए सर वो वही सवाल उठता है कि सर एक 10 गायों की जगह 20 चूसे जा रही है वहां पे, तो ये सवाल वो भी उठा रहे हैं। जी आगे देखिए, देखिए जिस प्रकार बीजेपी के नेता अपने कार्यकाल को याद कर ले पहले, और गायों की मौत पे बीजेपी सियासत कर रही है, भाजपा खुद गुनाहगार है। जैसे मैंने कहा कि 15 सालों तक गौ माता को वोट और वोट के लिए ही इन्होंने उपयोग किया है, और आप सूरत बदल रही है। देखिए आपकी बवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में अब सूरत बदल रही है, और हम जैसा मैंने कहा कि और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप जो ये बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पशु कुर्ता अधिनियम के धाराओं के साथ हमने तुरंत ही अपराध दर्ज करवाया था, और मैंने जैसा कहा कि जितने भी घटना हो रही है दुखद है, बहुत ही अमानित घटना है हमारे लिए। गौ माता के मालिकों को मुआवजा कब देंगे? अरे आप बीच में टोका का मत करिए भाई, मालिकों को मुआवजा कब देंगे बताइए ना। गौ माता को मिली योजना, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बेचैन गौ माता है और भाई के कारण पूरा योजना जो मैंने कहा ना अंकुश जी, जो योजनाएं आई हैं और जो मवेशियों के लिए हम योजनाएं ला रहे हैं, और ये जानते हैं कि ग्रामीणों से ही पूछ के सारा चीजें हम जो ला रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सूरत बदल रही है, और ये इसीलिए सिर्फ बीजेपी के लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, तो ये सियासी बवंडर करने के लिए आतुर हो गए। और की बात गौ माताओं की लाशें लाश है, गिद्ध खा रहे हैं उनको, कुत्ते नोच रहे हैं, ये सूरत बदल रहे हैं आप, ये सूरत बदल रहे हैं। और जो गौ वंश मर गए हैं, जो अरे आप लोगों के उनकी हड्डियों को बेचा जाता था, प्रदेश की जनता ने वो भी देखा है। मुआवजे की मांग कर रहा हूँ जी, उमेश जी कह रहे हैं मुआवजा दिया जाए, बस ये आखिरी सवाल है सर, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। देखिए जैसा मैंने कहा ना कि एक कमेटी तुरंत उस दिन बना दी गई थी, जैसे उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उमेश जी की बातों को बिल्कुल उस पर ध्यान रखा जाएगा, और सरकार पूरी तरीके से जैसा मैंने कहा कि सरकार ने बहुत गंभीरता से इन घटनाओं को लिया है, और जैसे हमारे मंत्रियों ने भी तुरंत कहा था कि घटनाएं जितनी हो, 2-3 जो भी घटनाएं हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत चिंतनीय घटना है, दर्दनाक घटना है, लेकिन हम जैसा उमेश जी ने कहा है सरकार उनकी बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगी। चलिए बहरहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का शुक्रिया बहुत बहुत। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है यानी कांग्रेस की सरकार 15 साल का सत्ता का सूखा खत्म कर जब सत्ता में वापसी की तो अपने वादे कर आई थी और उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जब नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी योजना की शुरुआत होती है, गौठान जो है ये कोई नया मुद्दा नहीं है, जब इसमें कुछ गड़बड़ी की बात हो या गायों की मौत की बात हो, पहले भी चारे को लेकर इस पर कई सवाल उठे, लेकिन अब गायों की मौत का मामला है, और जिस तरह से अमित जी ने कहा है कि एक कमेटी की शुरुआत हुई है, घोषणा हुई है, जो इसकी जांच करेगी और निश्चित तौर पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, और हम भी ये चाहते हैं मुद्दा नहीं है यहाँ पर, मुद्दा एक है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों पर हमेशा से आरोप लगे कि गाय के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन क्या ये राजनीति जो है ये हमेशा होती रहेगी? काम करना चाहती जी ऋतु, सरकार द्वारा बनाए गए गौठान अब सरकार के लिए ही मुसीबत बनते जा रहे हैं, और आगे क्या कुछ होता है ये फिलहाल सरकार पर ही अमल करता है। फिलहाल आप मन की बात में इतना ही, आप बने रहिए DNN के साथ, नमस्कार।